Thank you.
Thank you.
वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरस्तिहि गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विघ्नैः राधे तं नयमाम चरणान्तिके भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्त्वाच्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के चरण कमलों में कोटिशः दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। पुनः अपने शिक्षा गुरु श्री शिल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी मैं श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल I want to give so many dandvat pranam in the lotus feet of my holy master Nitya Lila Pravishnam Vishnu Parsisham Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj and my Shiksha Guru Shishila Bhakti Vedan Swami Maharaj. Here should I speak in Hindi or English? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर हिंदी के भी समझने वाले काफी लोग हैं, तो यदि बोलूंगा हिंदी में तो ये लोग तो काफी लोग नहीं समझ सकेंगे। मैं क्या करूं, आप परामर्श दीजिए। मैं जरा कम सुन रहा हूँ सर्दी के कारण। Both of them there, it could be there, you could be mixing up the both languages there, but mainly in Hindi. But my delivery so good. I wanted to speak in Hindi, but they will not. Yes, they won't understand it. My well, give us a little bit. Poor. Yeah. Yeah. Well, a little bit Hindi, then accept. Udusha Falla Kare Valne Mara Hindi. Udusha Falla Kare Valne Hindi. Udusha Falla Kare Valne Hindi. Hindi and tomorrow in Hindi. Today you must you have Hindi. You can speak in Hindi. You can speak in Hindi and tomorrow it will be Hindi. Pundarik Prabhu can do some translation. Oh, yeah. Very good. Oh, they request Pundarik Prabhu. Yes, samajhta hu. I am thinking that I should speak in Hindi and Pundarik Prabhu will translate in English. another day I will speak in. Tomorrow in English. Mm-hmm. Tomorrow all in English. Dear, but sometimes I will be speaking English also. मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं यहाँ इंग्लैंड में नहीं बल्कि मालूम होता है कि मैं अपने भारत के वृंदावन इत्यादि स्थानों में हूँ। आई एम थिंकिंग दैट आई एम इन वृंदावन इन द ग्रोव्स ऑफ वृंदावन वेयर राधा कृष्ण इज देयर and his family all are here, also his manifestation Sri Ramchandra is here, all are here, so among them I am speaking.
मैं उन लोगों के बीच में ऐसा समझ रहा हूं कि मैं भारत से दूर नहीं, मैं वहीं पर हूं। और मुझे यहां पर भारतीयों को देख करके बड़ा आनंद हुआ, ये लोग अपनी संस्कृति को भूले नहीं हैं, कृष्ण और राम का स्मरण करते हैं, राधा जी सीता इत्यादि जी का स्मरण रखते हैं ये लोग। आज मैं कुछ भगवत कथा का चर्चा करना चाहता हूं। टुडे आई वांट टू स्पीक अबाउट और वैदिक कल्चर एंड नॉलेज। वेद अपौरुषेय है, वेद को किसी ने बनाया नहीं, वेद भगवान का शाब्दिक रूप है। यदि किसी मनुष्य का बनाया होता तो उसमें बहुत सी गलतियां होती, किंतु वेद का एक एक अक्षर परम सत्य है। हम उसको अनुभव नहीं करते, इसलिए कहीं कहीं पर मालूम होता है कि वेदों में कुछ असत्य भी है, किंतु वेद में एक अक्षर भी असत्य नहीं। वेद आदमी समझते नहीं, आजकल कठिन भाषा संस्कृत भाषा में है, उनको समझाने के लिए वेदव्यास ने आज से 5000 वर्ष पहले बहुत से पुराण लिखे। 18 पुराण उन्होंने लिखे, 18 उप पुराण और 18 शाखा पुराण, 36 पुराण उन्होंने लिखे। वेद इज इन सो मिस्टीरियस लैंग्वेज एंड हार्ड लैंग्वेज इंग्लिश संस्कृत दैट टुडे पीपल कैन नॉट इमेजिन द डीप मीनिंग्स ऑफ Vedas. Vedas are incarnation of Krishna himself, God himself. So he wrote some Puran, 36 Purans. Puran ka maane kya? Puran ka arth, Vedon ke arth ko jo puran karte hain, unko Puran kahte hain. वेद से भी पुरानी जो हैं, उनको पुराण कहते हैं। ये पुराण भगवान के शाब्दिक अवतार हैं। व्यास जी ने पीछे से इनको समझने के लिए महाभारत की रचना की। इस तरह से जब उन्होंने महाभारत की भी रचना की, वेदांत शास्त्र की रचना की। वेदांत मीन्स वेद का अंत सार। क्या सार है? भगवत उपासना ही वेदों का प्रतिपाद्य विषय है। लोग कहते हैं कि भगवान कहां है, किंतु वेद कहते हैं सारे वेदों का तात्पर्य या प्रतिपाद्य विषय भक्ति है। कृष्ण ही उसके, राम ही उनके प्रतिपाद्य हैं। वेदों में मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग इत्यादि बहुत से विभाग हैं, आरण्यक इत्यादि उपनिषद है। उसका सार भाग यह है कि विश्व का संचालन करने वाले एक ब्रह्म है, द क्रिएटर, ऑब्स्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ द होल यूनिवर्स इज वन विदाउट सेकेंड, एक है। इसलिए
हम लोगों की उनकी उपासना करनी चाहिए। हम जीव अभी जितने हैं उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। वी ऑल दी जीवस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सेम गॉड। हम लोगों की इस शरीर के अंदर में आत्मा है, ये सब परमात्मा के अंश हैं और भगवान के स्वरूपतः भगवान के सेवक हैं। हम लोगों ने उनको भुला दिया और भूलने के वजह से माया ने हमें इस संसार में जन्म और मरण के चक्कर में फेंक दिया। इस तरह से नाना प्रकार की योनियों में हम घूम रहे हैं, एक दो योनि नहीं, जब से पृथ्वी की सृष्टि अनादि काल से आरंभ हुई है तब से हम न किसी न किसी रूप में हम जन्म ले रहे हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए नाना प्रकार के कष्टों को त्रितापों को हम लोग भोग रहे हैं। कभी मनुष्य हो रहे हैं, कभी गधे, कभी सुअर, कभी घोड़े, कभी देवता, कभी गंधर्व, कभी धनी, कभी गरीब, कभी कुछ रूप में हमारा जन्म हो रहा है। किंतु जन्म के बाद ही में हम लोग भूल जाते हैं इसे, उस समय भूल करके ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, इसमें फंस जाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते। किंतु कभी कभी भगवान इस जगत में अवतरित होकर वेद पुराण के उपनिषद इत्यादि के माध्यम से कभी 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 अपने प्रिय भक्तों को ऋषि मुनि और भक्त के रूप में जन्म ग्रहण कराकर हमें उपदेश देते हैं। देखो हम इस जगत में रिफ्यूजी होकर के आए हैं, हमको इस जगत में नित्य काल नहीं रहना है। वी आर लाइक रिफ्यूजीज इन दिस वर्ल्ड। मरने के बाद में हम यहां का कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सारा वैभव रहा रह जाएगा यहीं। इस पर विचार करो, यह सुंदर शरीर भी रह जाएगा, अंत में इसे जला करके राख कर दिया जाएगा, और यदि नहीं जला किसी कारण से तो इसमें कीड़े हो जाएंगे या सुअर, गिद्ध और दूसरे जानवर लोग इसे खा लेंगे और टट्टी कर देंगे। अभी जो शरीर बहुत सुंदर है, बुढ़ापा होने पर जर्जर हो जाएगा, गाल पिचक गए जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, केश सफेद हो जाएंगे, चल फिर नहीं सकेंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी और सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी यू विल हैव टू सर्व कृष्णा। जरूर आपको सेवा करना होगा। इस जीवन में कोई भी सुखी नहीं हो सकता है जब तक कि भगवान का स्मरण न करे, इसलिए भगवान का भजन करना है। इसीलिए भगवान कृष्ण श्रीमती राधिका गोपियों के सहित में जगत से उस गोलोक वृंदावन से अवतरण करते हैं, श्री रामचंद्र साकेत धाम से कृष्ण ही राम के रूप में यहां पर जगत में आते हैं, वे कभी कभी नृसिंह रूप में आते हैं, कभी कभी दूसरे अवतारों के रूप में आते हैं, कभी कभी अपने भक्त नारद को, हनुमान जी को, प्रहलाद महाराज जी को, ऐसे लोगों को भेज देते हैं जो हमको चिताए। चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा गया है, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि कोटि कोटि जन्मों के भ्रमण करने के बाद में हम लोगों को बड़े सौभाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। यह इसी मनुष्य जन्म में हम भगवान को
की आराधना करके उनको पा करके हम समस्त प्रकार के दुखों को पार कर सकते हैं और नित्य सुख हम प्राप्त कर सकते हैं और किसी दूसरे जन्म में नहीं। लद्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम अपीह धीर तुर्णम जतेत न पतेत अनुमत्त जावत निशेषाय विषय खलु सर्वतस्या। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता के साथ में बहुत जन्मों के बाद में भगवान ने कृपा करके ये दिया। देत एष बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कारण के भगवान बड़े दयालु हैं इसलिए मनुष्य शरीर दिया। भोजन करने के लिए, खाने पीने के लिए, भोग करने के लिए नहीं दिया। भगवान का स्मरण कर उनकी आराधना करके पुनः हम अपने पूर्ण स्थिति में पहुंच जाए, स्वाभाविक स्थिति में, इसलिए दिया। जितने प्रकार के जन्म है उसमें मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ है। ये भी 4 लाख प्रकार का बतलाया गया, एक दो प्रकार के नहीं। शरीर मनुष्य सा है किंतु करते हैं काम पशु सा। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो पशुओं में गधे के समान में बतलाए गए हैं शास्त्र में, क्योंकि कोई अंतर नहीं है उनके जीवन चर्चा में। वो लोग भी खाते पीते हैं, हम लोग भी खाते पीते हैं। वो लोग भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। उनको भी बच्चे पैदा होते हैं, हमको भी होता है। अंतर कहां? वो भी मृत्यु से डरते हैं, हम भी मृत्यु से डरते हैं। बस खाने पीने के, हम लड्डू कचौड़ी खाते हैं, महान भोग खाते हैं और वो लोग टट्टी खाते हैं। सुअर क्या खाते हैं? उनको भी बच्चे होते हैं, हमको भी होता है। इसमें कोई पार्थक्य नहीं है। पार्थक्य कहां है? हम सत्संग करके भगवान को जान सकते हैं, आत्मा को इसके अंदर में क्या है जान सकते हैं। ये सबसे पहले याद रखिए, मैं यह फिजिकल बॉडी नहीं हूं, आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी। इसको तो छोड़ना होगा, भगवान ने दिया है। और इसका यदि मिस यूज किया आपने तो वो कॉल फॉर करेंगे, उस समय कोई उत्तर देता नहीं बनेगा, उस समय कठिन से कठिन यंत्रणाएं आपको भोगनी पड़ेगी यदि भगवत भजन नहीं किया मनुष्य शरीर को पा करके। इसलिए कहते हैं इन मनुष्यों में जो कुछ लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, ये मनुष्य शब्द वाच्य है, किंतु ये भी जानते हैं कि भगवान की भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा हम इस शरीर को छोड़कर के, मन बुद्धि को सबको छोड़कर के नित्य काल के लिए हम सुखी हो सकते हैं। भगवान को पाने के लिए जितने भी साधन हैं उसमें 3 को प्रधान माना गया, कर्म, ज्ञान और भक्ति। गीता में इसका उपदेश दिया गया, किंतु फिर भी कर्म भगवान तक नहीं पहुंचा सकता, ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचा सकता, केवल मात्र भक्ति ही भगवान तक पहुंचा सकती है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इन गीता यह से गीता में उन्होंने बतलाया, हमारा शरणापन्न हो जाओ, हमारी आराधना करो, मैं समस्त दुखों से तुम्हें छुटकारा प्राप्त कर दूंगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। किंतु एक बात है, भक्ति कहते हैं किसे? आजकल भक्ति के नाम पर बहुत से ऐसे मिश्रित बातें चल रही हैं जो भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति का स्वरूप जान लेना अच्छा है। वी नो दैट विदाउट भक्ति वी कैनॉट अचीव कृष्ण प्रेम एंड वी कैनॉट बी ओवरकम फ्रॉम दिस डिस्ट्रेसेस एंड ऑल थिंग्स।
But what is bhakti nowadays in our society, in the name of bhakti? There are so many things going on in the name of bhakti, but they are not bhakti actually. वो भक्ति नहीं है, इसलिए भक्ति का स्वरूप समझना चाहिए, भगवान का स्वरूप समझना चाहिए, जीव का स्वरूप समझना चाहिए. Who am I? Who is Krishna? What is the meaning of God? Who is supreme personality of Godhead? What is Maya? Maya क्या है समझो. जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे भक्ति को हम नहीं समझ सकते हैं. भक्ति के लिए एक श्लोक बतलाएगा. अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम. अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम. हु इज कृष्ण? कृष्ण कौन है? इस जगत के सृष्टिकर्ता, पालयिता और उसके रक्षाकर्ता को भगवान साधारण रूप में कहा जाता है या ब्रह्म कहा जाता है. ये विश्व में दो नहीं है, एक ही है. जैसे गॉड शब्द, खुदा शब्द, अल्लाह शब्द सबका करीब करीब थोड़ा थोड़ा एक ही समान इसके अर्थ होते हैं. गॉड मैन में भी वही होता है. जी जी मैंने जनरेटर, अब मैंने ओ मीन्स ऑपरेटर, डी डिस्ट्रक्टर. हमारे यहां भी वेदों में भी ऐसा ही लिखा गया, जन्मादस्य जतः, जिसे जन्म मृत्यु और पालन जो करते हैं उनको ब्रह्म कहते हैं. भगवान के जितने भी प्रकार की प्रतीतियां हैं कृष्ण के लिए कहा गया वेदों में भी, उपनिषदों में भी, गीता में भी, भागवत में भी. एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्ण ही स्वयं भगवान है. तब राम कौन है? राम दूसरे भगवान नहीं है. He is not second भगवान or God. Different. शंकर जी भगवान नहीं है, ये अलग से. दुर्गा जी भगवान नहीं है. किस रूप में इसको ग्रहण करना चाहिए? कृष्ण ही कभी कभी राम के रूप में, कभी कभी नृसिंह के रूप में, कभी वामन के रूप में, परशुराम इत्यादि के रूप में अवतरित होते हैं. जैसे एक ही चंद्र कभी पूर्णिमा, कभी अष्टमी, कभी सप्तमी के रूप में देखा जाता है. अलग अलग सप्तमी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अलग अलग नहीं, एक ही चंद्र की विविध प्रतीतियां हैं. कहीं ऐसी भी स्थिति है जहां से हम देख सकते हैं एंगल ऑफ विजन के द्वारा जो चंद्र सब समय पूर्ण ही रहता है? इसलिए अलग अलग चीजें नहीं है. उसी प्रकार से राम, कृष्ण इत्यादि सब एक ही परम ब्रह्म है, जिसमें शक्ति की पूर्णता और रस की पूर्णता हो, उसे स्वयं भगवान कृष्ण कहा गया है. एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान. कृष्ण ही राम के रूप में आए हैं, किंतु राम अवतरित होने पर केवल सीता के साथ में रहेंगे मर्यादा की रक्षा करते हुए. उस समय तरह तरह के बहुत से विवाह भी नहीं करेंगे.
कोई कहे जैसे हम आपकी स्त्री होकर के आपकी सेवा करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, कृष्ण के रूप में जो कोई आराधना करे जैसे भी, तमेव माता च पिता तमेव, ये कृष्ण के लिए ही संभव है, दूसरों के लिए नहीं। कृष्ण को आप पति मान सकते हैं, कृष्ण को आप उपपति मान सकते हैं, कृष्ण को आप अपना सखा मान सकते हैं, कृष्ण को अपना प्रभु मान सकते हैं, कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं, कृष्ण को अपना बेटा मान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण के लिए। राम को पति नहीं मान सकते, यदि पति भी मानेंगे तो कहेंगे अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर में प्रसन्न हूं, तुम कृष्ण लीला में आना तब तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा, उस रूप में नहीं करेंगे। उस समय जनकपुर की राज दुलारियों ने राम को देख करके मुग्ध हो गई और वर मांगा जी हम आपकी स्त्रियां बने। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तब तुम आना, द्वापर युग में मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इस रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम है, नृसिंह भगवान की उपासना कोई इस रूप में नहीं कर सकता, वो सारे दुखों को कष्ट को हरण करेंगे, वही कृष्ण ही है उस रूप में प्रकटित है। किंतु दुर्गा जी शक्ति उनकी है, वो स्वयं नहीं है, उनकी शक्ति है, इसलिए भगवती हैं। भगवती के भी दो रूप हैं, एक शुद्ध रूप राधिका जी और दूसरा रूप छाया के रूप में इस जगत के धन पुत्र और परिवार को देने वाली ये भगवती। दोनों का एक मानने से गड़बड़ हो जाएगा, एक ही परिवार के हैं किंतु उसको उस रूप में मानना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीजें समझना पड़ेगा कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जितने देवता देवी हैं सब उनके दास सेवक हैं, शंकर जी उनके सखा भी हैं, मित्र भी हैं और इस जगत में कभी कभी प्रभु भी बन जाते हैं, किंतु हैं उनके सेवक, उनकी शक्ति है। सब समय राम राम उच्चारण करते हैं, कृष्ण कृष्ण, वृंदावन में गोपीश्वर बने हुए हैं और उनकी उपासना करते हैं, जीव उनका सेवक है जितने विश्व में है। जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम लोग सभी कृष्ण के दास हैं, उनको भूल करके इस जगत में आए हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उनका सर्वदा सदा हम उनकी उपासना करें, उनको स्मरण करें। कैसे स्मरण करें? भक्ति के द्वारा। कैसे भक्ति? क्या उसी के लिए मैं बतला रहा था कि भक्ति किसको कहते हैं। आई वॉज टेलिंग अबाउट भक्ति, दैट व्हाट इज भक्ति, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अध्ययनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति के दो लक्षण बतलाए गए, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। अपनी सारी इंद्रियों से, मन से, जितनी प्रकार की चेष्टाएं हो सकती हैं कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण की उपासना करना भक्ति है। किंतु दो लक्षण जो बतलाए गए और तटस्थ, वो ये बतलाते हैं, देखो भक्ति करते समय यदि अपने संसार की कामनाओं को उसके बदले में तू मांगता है तो वो भक्ति भक्ति नहीं रहेगी। ध्रुव जी ने घोर तपस्या की, किस लिए की? ध्रुव हैड डन वेरी हार्ड ऑस्टेरिटी, बट फॉर व्हाट थिंग? किस लिए? राज्य के लिए, ओनली टू हैव किंगडम, राज्य के लिए किया। करने के बाद में 6 महीने तक, यहां तक कि जल भी छोड़ दिया, हवा भी छोड़ दी और समाधिस्थ हो गए। भगवान ने उनको दर्शन दिया और 36,000 वर्ष के लिए एक छत्र पृथ्वी का राज्य दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो हाय हाय करने लगे, अरे प्रभु
मैं ठगा गया, मैं खोजता रहा था कांच, किंतु हमको भाग्यवश चिंतामणि मिली और हमने उसकी उपेक्षा कर दी। आपका दर्शन पा करके और आपसे भक्ति नहीं मांग करके मैंने यह राज्य मांगा, ये कितना दिन तक रहेगा? इसको तो छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने गलती की। 36,000 वर्ष उनको भोग करना पड़ा, अब इसके बाद में उनको ध्रुव की गति हुई, जहां पर कि ध्रुव तारा देखते हैं कि अचल ध्रुव है और सूर्य भी उसकी परिक्रमा करता है, स्थाई। ये जगत सब अस्थाई है, क्षणभंगुर। किंतु प्रहलाद महाराज जी को देखिए, भगवान ने कहा जे वर मांगो, उन्होंने कहा जे मैं बनिया नहीं हूं, आई एम नॉट ए मर्चेंट, बनिया, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिपेड एनीथिंग, कुछ भी हमको नहीं चाहिए, हमको आपके चरणों की भक्ति चाहिए। इस प्रहलाद महाराज जी से भी हनुमान जी को देखिए, दिन रात उनकी सेवा करते हैं। ये हनुमान जी और कोई नहीं है, शंकर जी हैं। शंकर जी भगवान राम की सेवा करने के लिए बने हुए हैं, हनुमान बने हुए हैं। कैसे सेवा करते हैं ये हनुमान जी और शंकर जी? कृष्ण की सेवा करने के लिए वृंदावन में गोपीश्वर बने हुए हैं, स्त्री का वेश धारण कर कृष्ण की सेवा करने के लिए दिन रात कृष्ण कृष्ण में तन्मय हो जाते हैं। इसलिए कोई भी अभिलाषा न हो, अपने लिए कोई भी चीज भगवान से मत मांगो, उनके चरणों में प्रेम बस मांगो। और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, माने क्या? जब तक हम जीवित हैं हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करते हैं तो आप झूठे हैं। श्वास लेना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, आंख से देखना भी पड़ेगा। इफ यू आर टेलिंग दैट आई विल डू नथिंग, इट इज क्वाइट रॉन्ग। यू विल हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू ब्रेथ, यू हैव टू ईट समथिंग, यू हैव टू सी, यू हैव टू वॉक, विदाउट दिस यू कैनॉट बी। इसलिए कुछ जरूर करना पड़ेगा, किंतु ऐसा कर्म मत करो जिसमें फल भोग की अभिलाषा हो, और ऐसा मत करो जिससे कृष्ण को भूल जाओ। कर्म भक्ति के अनुगत होकर के किए जाएं, जो कुछ करो भगवान के लिए करो, तब तो ठीक है। और यदि ऐसा करते हो जो भगवान को भूल जाते हो, जैसे बेटा हमें होना चाहिए ठीक है, संपत्ति होने भी ठीक है, किंतु ऐसी संपत्ति ना हो जाए कि भगवान का भजन करना ही हम भूल जाएं, ऐसा मत करो। रावण को बहुत संपत्ति थी, सोने की लंका बनी थी, उसके 101 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, पुष्पक विमान में चलता था, उसके घर में पवन देव झाड़ू देते थे, मेघ उनके घर में अपने आप जरूरत होती तो पानी का सब काम करते थे, सभी देवता लोग उसके सेवक थे। किंतु राम का विरोध करने के कारण, सीता हरण के कारण वह मारा गया। वो धन संपत्ति काम नहीं दी। इसलिए कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए जो हम भगवान को भूल जाएं। आप लोग कर्म कीजिए, जन्म जब ग्रहण किया है जो कर्तव्य है आप कर्तव्यों का पालन कीजिए, किंतु ये मत समझिए कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है। आप समझिए ये कृष्ण के सेवक हैं, सेविका है, और उसके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार हो, और दोनों मिलकर के सभी परिवार मिलकर के भगवान का भजन कीजिए, तब तो वो संसार कृष्ण का संसार है। खाओ पियो मज करो, मांस मछली शराब गोश्त जो कुछ मिलता है सब खाने के लिए है, ऐसा मत समझो। आकाश में जितने विचरण करने वाले हैं सभी हमारे खाने के लिए है, केवल एक पतंग नहीं खा सकते जो उड़ाते हैं बच्चे ने। और जितने चौपाए हैं हमारे खाने के लिए, केवल चौपाई माने खटिया, खाट पलंग होता है, ये केवल नहीं खा सकते,
और बाकी भगवान ने हमको सबको खाने के लिए बनाया, ऐसा मत समझो। संयम पूर्वक रहो, तामसिक चीजों का व्यवहार मत करो और शुद्ध होकर के भगवान का भजन करो। सबको समझो, ये हमारे कृष्ण के परिकर हैं, कृष्ण के सेवक हैं और सेविकाएं हैं। जितनी जगह को देखो ये मत समझो ये हमारे लिए बिहार की भूमि है, ये सोचो ये कृष्ण की बिहार भूमि है। ऐसा देखो, पृथ्वी को अपना भोग्य मत समझो, ये सोचो ये कृष्ण का भगवान के लिए बिहार भूमि है ये। तब तो आप लोग बच सकेंगे माया से, अन्यथा जन्म जन्मांतर तक भगवान के इस माया में ऐसे पिशाची आपको जलाएगी कि सब कुछ हरण कर लेगी और सब समय हमें दुख होगा, फिर दूसरा जन्म भी हमारा दुख के लिए होगा। ऐसा समझ करके भगवान की उपासना करनी चाहिए। एक कीर्तन कर दीजिए तो ट्विंकलिंग, और तब हमारे ये थोड़ा सा उसकी व्याख्या कर देंगे। Wait.
ज्ञानमिदंग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। So we heard Srila Gurudev speaking so nicely about Indian culture and also the message of Vedas and the purpose of human life. And he also gave some translations himself in the beginning. So I may be repeating some words, and also I'll try to give as much detailed translation as I remember. I've written down some points, so we hear carefully. First of all, Srila Gurudev is saying that he is feeling very happy and comfortable because he feels that he is in India. Because this atmosphere here reminds us of India. Mainly, all the people, most of us here who are present in this hall are Indian. And not only that, they're also maintaining their culture. We have Shri Radha Krishna, we have Sita Ram, Chandra, Lakshman, Hanuman, and we have all other demigods. So the atmosphere reminds us that we are in India. So he's feeling very happy about this. And he says, I feel like I'm in Vrindavan, and I am at the feet of Shri Radha and Krishna. And everyone here is part of their family. So today, he wants to take this opportunity to tell us about some Bhagavad Katha and tell us that how we can perfect our life and achieve the perfection of our life within this span of life and not depend on next life. So, first of all, he began saying that knowledge about God we can receive from Vedas. And why we should believe in Vedas? One simple reason is that Vedas are not written by human beings. Generally, most of the literature which we find is written by human beings, and because human beings have some imperfections, so there is a tendency of some misinformation, some misconclusions. But Vedas, they are not written by human beings. Vedas are himself God. God himself has incarnated in the form of words in Vedas. And each syllable is an absolute truth described in the Vedas. So that's a very solid reason that we should must take knowledge only from Vedas and not from any other source. But there is one problem, and the problem is that Vedas are written in Sanskrit, which is a very hard language. And not just language problem, the meaning hidden in the Vedas is also very deep. And unless one is very much pure and is controlled and is submissive to Shishi Guru, he cannot understand the meaning. So 5,000 years ago, Srila Vedavyasa, to make it easy for the general people, he composed so many Puranas. These Puranas are nothing but explanation of the Vedas in simpler form. He made 18 Puranas, 18 Upanishads and 18 Upuranas. But Puranas also, if we see at our level, it's difficult for us to understand. It was easy 5,000 years ago to understand. So then again, he thought, oh, in the time to come, people will be more or less intelligent. It will be difficult for them even to understand these Puranas. So then he compiled Mahabharata. And this Mahabharata gives even simpler explanation of Puranas and Vedas. Srila Gurudev gave the definition of, or the understanding of Puranas. What does Purana mean? Purana means that which completes the meaning or explanation of Vedas is called Purana. And which is Purana, which is old, ancient. Now, these Puranas have many different categories.
like Mantra Vibhag, Brahmana Vibhag, and Aranyak like that. And it gives us first-hand information about the entire creation, that whatever we see around ourselves and the planet and all the cosmic manifestations, this is being managed, controlled, and annihilated by Brahma. Brahma is called God. This is a primary understanding of God, first level understanding of God, that is called Brahma. So, because He is our controller, He is God, and we have emanated from Him, so it is our prime duty to serve Him. It is our prime duty to worship Him. Only by worshipping Brahma, we can be satisfied and not otherwise. Then, another information, that we are not this body. Within this body, there is a soul, and this soul is completely spiritual. At this moment, this soul, because it is in touch with Maya, so it is contaminated, not fully, but sort of conditioned with the material modes of material nature. So it is thinking that I am this body. So this identification is the cause of our all problems. So we have forgotten our original constitution position, and now we are thinking ourselves as this body. So we want to give comforts to this body, and because this body is temporary and it doesn't have any tendencies to feel any enjoyment, so if we try to do that, we will be frustrated. Rather, we should try to please or see the enjoyment of the soul, because Atma is the one which is functioning this body. If Atma is not there, this body will stop functioning. So that difference between the soul and the body. The reason why we have come in this material world is that we have forgotten the Lord. We forgotten Him. And as soon as the moment we did that, we forgotten Him, quickly, immediately, we were covered by Maya and we were brought here. And a tendency arises in our heart that we want to enjoy the material world. Whereas our original tendency is that we should serve the Lord. But now we are thinking that I am the enjoyer. We want to take the position of God. We want to become God. So this is the cause for our bondage in the material world. So what shall we do? Now we should try to remember God and try to understand our position as His servitor. We should serve Him, not try to enjoy. That means, because everything in this material world has emanated from Him, so this should also be used in His service. Nothing should be used for my sense enjoyment, for my enjoyment. Everything should be for His service. We are living in this material world and we want to enjoy it, but what happens is, we are suffering. We make all our efforts to ease ourselves, to live peacefully, to live with happiness. But what happens? Despite our all endeavors, we end up in frustration. And we are having three level sufferings. And the different miseries in this material world, they're always torturing us. So, Krishna, Ram, because they have given birth to us, they are like our father, so they feel this pain. So they make this arrangement that at different times, either they themselves descend in this material world, or they make this Vedas come in the form of Vedas, or they send their devotees. All of them, according to time, people and circumstances, they are reminding us of our original purpose, why we came here, what shall we do, and how, as long as we have to live in this material world, we should
direct our life or live in such a way that we can live in this world also peacefully, and when the time comes to leave this world, we may successfully transfer ourselves from here, from this material world, to the spiritual kingdom, where we can serve the Lord eternally, and thereby we can experience eternal bliss, eternal happiness. And then he spoke more about how we are suffering in this material world, how once we are young and then we get old, and though nobody wants to get old, but we have to get old, nobody likes wrinkles on the face, but we are going to suffer that, and so many other diseases and other problems of life which we experience throughout our life, but still, despite that, we are ignorant of the fact that we have to leave this body. So we are being reminded at every moment by this arrangement of material energy of the Lord that we are not going to live here peacefully eternally. This is a temporary place and we'll have to leave it. So who we are in this material world as? We are as refugees. That means this is not an eternal place to live. So why we want to make permanent arrangements here? Why we're always endeavoring in our calculations to live here eternally and permanently? So this kind of thinking will always bring us suffering and will never be satisfied in our life. Also, sometimes the pure devotees of the Lord, as Narad or Prahlad Maharaj, they also come and they give us the same message. And all the holy scriptures like Sri Sri Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, they are giving this message that, oh gentlemen, oh sincere living beings, please try to understand that this human life, this human birth which you have been given, this is a very rare birth. Because God is very merciful, Krishna is very merciful, He has given you this opportunity to get out of this material world. This opportunity is not possible in any other form of life. And that's the difference between the animals and the human being. In human beings also, there is classification of about 4 lakh species, depending on the level of our consciousness. If in the human form of life also, we just work on the principles of sleeping, mating, eating and defending, then we are working like donkeys and other animals. So who we are? We are donkeys. We cannot be called as human beings. So what we should do? We should not act as donkeys, but rather act as human beings. That's the only difference. If we say, no, we have a difference. Animals, donkeys, they are eating stool, like pigs and horses, they eat stool, but we don't eat stool. We eat nice chapatis or nice puddings and things like that. But the satisfaction is same. And once your stomach is full, you're not going to take another bite. And same happens with the animals also. If your stomach is satisfied, it's not going to take any more. So the principle is same. The phenomena is same of sleeping, mating, eating and defending. He's also fearful of the death. And we are also. They make some arrangement to defend themselves, some home, some shelter. And we also make that. So we have used this upgraded high intelligence than animals in the same, to fulfill the same goal. So what will be our fate? Krishna is again merciful. So he will say, because you want to use your intelligence in this goal, so I give you this birth. So we'll end up becoming animals. And then we can do these principles of sleeping, mating, eating and defending more comfortably in that life. Because they don't have problems fulfilling this goal. We have problems. They don't get. So we should be careful that not to direct our life in that direction. Rather, become devotees and serve the Lord. So there is a process by which we can come back, or we can situate ourselves in our original constitutional position, our natural position. And that process is called bhakti. There are 3 ways actually mentioned in shastras, so many, but primary are karma, jnana and bhakti. But if we analyze
thoroughly, minutely, then we see that by karma we cannot achieve God, neither by jnana. But bhakti is the only means by which we can achieve Lord. We can please Him. And bhakti is pure from the very beginning. But unfortunately, at this point of time in our society, we are being misinformed about bhakti. So sometimes we think that we are doing bhakti, but that is actually not bhakti. Why? Because there are some symptoms mentioned in Shastras that when bhakti comes, then something happens. Something happens inside, something happens outside. Tathat selection and Swarup lakshan. External and internal symptoms. What happens internally? The moment the bhakti takes birth in your heart, you feel happy. You feel satisfied. You feel no more pain. And externally, you will change your lifestyle from tamagun, from mode of ignorance, to mode of goodness. From mode of passion to mode of goodness. That should happen. If that's not happening, that means we are not doing bhakti. And what else? We should not perform bhakti for our own selfish purposes, but rather we should perform bhakti for the pleasure of God. For Him, not for us. That is called bhakti. Anywhere along the line when we are performing these activities, we have even a little desire for our benefit on the level of body or mind, then that is not bhakti. So there is one definition given in the Shastras, and that is Anya Vilashita Shunyam Jnana Karmajana Pritam Anukulyena Krishna Nishidanam Bhakti Rottama. Bhakti which is devoid of jnana and karma. Why it is said so? Because as long as we are living, we have to do some karma. And if somebody says, no, I can stop my all activities, I don't need to perform any karma, then that he's foolish. It's not possible. Or he's cheating himself. Why? Because even breathing is karma and we cannot stop it. So we have to perform some karma, some jnana. But we should be careful, or we should see that it should not cover bhakti. Or bhakti should not be utilized for karma and jnana. Rather, karma and jnana should be favorable to bhakti. They should be subordinate at all times. If at any point of time karma overcomes, like because we have to live, so we have to make some means of earning to live, we have to maintain our family, we have to have children, or we have to have home. So what does that mean? This is essential, it's okay, but it should not be the primary, or it should not become main and God becomes secondary. God should not become servant to serve you these things. Rather, these things should be utilized in the service of God. So that's why we should be very careful that karma and jnana should not overcome our bhakti. The word God or Allah, Brahma, generally they're meaning one. What? God is not two, Brahma is not two, He is one. So we should not be confused to see different forms of the Lord. Sometimes people are confused, oh, Krishna is different, Ram is different, or Hanumanji, who is Hanuman, like that. So this very nice understanding given in the Shastras, and that is the explanation or example of mood. The original personality of Godhead is one. They cannot be two. And it has been pointed that Krishna is that supreme personality of Godhead. Iti chanta kala punso Krishna stu Bhagavan swayam. Himself, Lord Brahma, is speaking this verse in Srimad Bhagavatam. And is very nicely telling that all other incarnations of Lord are inferior in the sense that Krishna Himself comes in those forms. So they are one. So that means there is no difference. But according to time, people or circumstances, God comes in that form to help those people to come to His abode. But there is a level. When you go beyond this material energy of the Lord, beyond the influence of this Maya, then you see the complete form of the Lord. As from here, we see the same moon
Every 15 days, different sizes. Sometimes descending for 15 days and sometimes again increasing or in its full form. But when you cross this universe and get beyond this atmosphere, then you see full moon all time. So similarly, when we are not under the influence of Maya, we see the original personality of Godhead in full, whole. So we should not be confused. But when the Lord comes in different forms, we should try to understand what is His purpose and why He is coming like that. For example, He comes in the form of Lord Ramachandra and Sita. So in that form, He is teaching us how we have to live in this material world, how we should live as a father, as a husband, and how we should behave as a mother or as a wife, or how the kids should behave. He's telling that. But if somebody wants to have a relationship of wife with Sri Ramachandra, is that possible? No, that's not possible. He will accept your feelings, but he will say, when I come in the form of Krishna, then I can fulfill your desire. As happened with all the ladies of Janakpur. When Ramachandra came, they were all attracted to his beautiful form, and they wanted to have same relationship as Sita Devi. But Sri Ramachandra said, in this pastime, it's not possible, because I have to set examples. So, but when I come as Krishna, then you can have this relationship with me. So with Krishna, you can have whichever relationship you want. You can make Krishna your guru, you can make Krishna as your father, you can make Krishna as your son, you can be his wife, lover, everything is open. And the verse which we were hearing in the Arti, Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasakha Tvameva, this verse can only be applied for Krishna. Cannot be applied for any other form of the Lord. With Krishna, He can, He has that power and He has that ability to satisfy all the living entities to their own, as the living entities have their sarupa, as their nature is. And who is Shankarji? Shankarji is His friend. And sometimes in this material world, we see Him as the controller, or sometimes as God. But He is servant of Krishna. He's servant of Ram. So what He do? To serve Lord Ramachandra, He comes as Hanuman. And He's doing such a nice service to Him all time. And when both of them, Hanumanji and Shankarji, want to serve Krishna, then what do? They assume the form of Gopeshwar Shiv and they take this place in Vrindavan and they serve Krishna. So at their level there is no confusion, there is no problem. They are happily serving the Lord. And they are setting an example that how we should educate ourselves, that we have some particular nature to serve the Lord, and then when that nature comes out, when that nature unfolds, when it gets clean from the influence of Maya, then we develop a natural attraction for the particular form of the Lord. And that relationship with the Lord, it wakens up. And then with that sambandha, with that relationship, we can serve the Lord eternally in that abode. So, and Durgaji, who is she? She is their potency. That is why she is called as Bhagavati. And Bhagavati is also of two kinds. In her pure form, in her original form, she is as Srimati Radhika. And in her shadow form, she is Durga Devi, maintaining this material world. So, though she is one person, but she has different functions. So we have to understand that. It is very important for sadhaka to understand all this information given in the Vedas, then only he can perform bhakti. If one doesn't have this information, he doesn't know who I am, he doesn't know who is God, he doesn't know who is Maya, how can he perform bhakti? This is not possible. So we should understand jiva, jiva tattva, who is jiva, maya tattva, what is maya, krishna tattva, bhakti tattva, all these things we should try to understand thoroughly under the guidance of a self-realized soul. That is mentioned in the Shastras, that is the instruction of all the Vedas. So when we direct our lives in such a way, then by mercy of Krishna and His devotees, within this life, we can achieve the goal to serve the Lord. And
and please him and also help others in such a way that they can also, or those who are dependent on us as our children or wife or mother and father, they can also be taken to the abode of the Lord. That is the instruction of Shastras. And furthermore, because all the living entities are part and parcel of Krishna, so together we should try to serve the Lord. Even plants, animals, they have souls. And they are also part and parcel of Krishna or God. So that doesn't mean that means that they are not meant for our eating. Mahārāja was using the word that we can eat everything which has four legs except bed. We cannot eat bed. But anything which has four legs, we can eat. And in the air, everything which has wings, we can eat, but not the kite. So this should not be our goal. But at this moment, that's what is happening. As soon as we come out from the womb of the mother, then we are having this consciousness of eat, drink and be merry. We just want to gratify our senses. And lifelong, we keep doing that. Lifelong, we have just one conditioning that we should just satisfy this body. So, when we get this message of the Lord from His devotees or from Vedas, then at that point of time, we should endeavor sincerely with all our efforts to elevate ourselves to that level that we can achieve God. Then Śrīla Mahārāja gave a very nice analysis of bhakti, that when we are doing bhakti, then we should not be confused, that we should understand what is not bhakti as bhakti. So first example is of Dhruva Mahārāja. Dhruva Mahārāja, he performed so much austerity and very austere. He even left drinking water and he stopped even breathing air. And then he got the darshans of Lord. Lord came to him and he was blessed to have empire for 36,000 years. So he did all that hard work. But for what purpose? Later on, he realized that, oh, when Krishna, when Narayan, when the Lord disappeared after giving the boon, then Dhruva Mahārāja, he felt so bad in his heart. He felt so much pain. He said, oh, what did I do? I performed all these austerities just for this purpose. I was looking for a broken piece of glass and I got this touchstone which can fulfill my all desires, and I did not aspire to have that. I did not pray to have bhakti at the lotus feet of Lord. What did I do? I'm such a rascal, I'm so fallen. And he was condemning himself like anything. And then he was having this place in Dhruva planet. We see that star which glows more than all other stars, and it is still. That is why Dhruva means still at one place. All other planets they go around, even sun also moves around that planet. In this world also, everything is temporary, but Dhruva Mahārāja, in his Dhruva planet, is there eternally, permanently situated, fixed. And then there is an example of Prahlāda. When the Lord was pleased with him, the Lord gave him darshan, and the Lord asked himself, you want anything? What do you want? And Prahlāda Mahārāja said, no, I'm not businessman. I did not perform all these activities or all this hard work to take something from you, but rather I want to serve you. And then if we go through the entire pastime, then we see there wasn't a single time when Prahlāda Mahārāja had prayed that, oh Lord, rescue me, save me. Rather, Lord himself was feeling pain. Oh, I should go and save my devotee. So that's an example of a pure bhakti, where a devotee is completely devoid of all sense of self-pleasure or material desires, but he wants to serve the Lord. So, another example Maharaj gave is of Hanumanji. He is even one step higher than Prahlāda Mahārāja and is serving the Lord so nicely 24 hours. And in all different activities, he is trying to be serving to him in such a way that the Lord is pleased. And then we heard that how Hanumanji and Shankarji together, they take the form of Gopeshwarship and they're serving Krishna. So that was the essence, and by performing this in such way, if we perform bhakti,
in a pure form and under the guidance of self-realized souls or pure sadhus, then we are surely and we are assured by all the Shastras and Vedas and Bhagavad that we will be able to achieve our goal within this lifetime. We will not have to wait for any other birth. Because by the mercy of pure devotees, we can quickly achieve our goal. So we should aspire to have more pure sadhu sangha. That's what we should aspire for all the time. We should not aspire for any other material pleasure, because that is there in our fate. And whatever has to come, we cannot avoid it. But if we keep praying for sadhu sangha, then Krishna will make such an arrangement that we'll have the pure association of pure devotees, and also we'll have that mood, that favorable mood to receive their mercy. So today we pray to Srila Guru Maharaj and to all the deities here that we may develop this desire, and by the mercy of Gurudev we can achieve our goal within this lifetime. मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, इन conclusion I want to know that Sri Krishna is Supreme Personality of Godhead. We are all eternal servants. We can achieve happiness and peace of the life and after this life also by serving Him. In bhakti there are so many kinds of bhakti, among them Harinam Sankirtan is prominent among all kinds of them. Naming himself as Krishna, no difference at all. Naam Bhagwan ki apeksha bhi adhik dayalu hai. Bhagwan ka darshan aise nahi hoga. We cannot see Krishna if there is no bhakti. And all kinds of anarth has gone away. But in having anarth we can chant Hare Krishna. हम लोग समस्त अवस्थाओं में भगवान का नाम कर सकते हैं. कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम ही एकमात्र आधार है जीवों के लिए. नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है. जब जो तपस्या जितने भी अर्चन इत्यादि हैं सब में नाम प्रमुख है. केवल यदि मुख से निकल जाए श्रद्धा भी नहीं रहे तभी नाम की कृपा होती है. इफ यू आर नॉट इवन श्रद्धा, इफ दिस इज नमाभास, ये वी कैन क्रॉस बर्थ एंड लाइफ दिस ओशन इजी. एंड इफ यू हैव सम रेस्पेक्ट ऑनर फॉर नेम then we can go up to Braja and serve Krishna. एक समय वाल्मीकि रामायण जब बना उसमें 100,000 श्लोक थे. When Valmiki wrote Valmiki Ramayana, there were about 1,000,000 of the slokas. Hearing the slokas of Valmiki Ramayana, those who were present there, human, this person, Asur and Devata, demigods, they began to quarrel themselves that I want to have this Valmiki Ramayana. At once Sankar appeared there and told that don't quarrel, I will divide all these slokas among you. So he distributed 1,000,000 slokas among man, demigods and demons. 33,000. But still
1000 श्लोक रिमेन अगेन ही डिवाइडेड इनटू थ्री देन वन श्लोक वाज देयर वन श्लोक हैज फोर पार्ट ही डिवाइडेड वन पार्ट One part has eight letters. Then he gave to them two. Then two words, letters still remain. These two names are Ram or Krishna. Shankar told that I have did so much labor to divide this. So I will not divide these two letters. I will keep it in my heart. So Shankar is always reminding Ram, 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 or Krishna. These two letters are the heart of all Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and all epics. So only by chanting these two names, Krishna or Ram, we can easily get the service of Krishna. And easily it will go all kinds of suffering, sorrows, everything. And we go to by this name. So our Rishis Munis have discovered this name in Vedas, in Kalki Upanishad. That Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. This is the Kaljuk. नाम संकीर्तन कलयुग का ये महामंत्र है. इस नाम को हम उच्चारण करके कुछ भी ना करें और केवल इस सवेरे शाम को थोड़ा सा नाम कर दें, भौर सागर को हम लोग पार कर जाएंगे. कोटि कोटि यज्ञ, कोटि कोटि तपस्या, लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टोरी स्टोरी एंड ऑल अदर्स मीन्स कैन इट बी इक्वल टू नेम. नाम के बराबर ये नहीं हो सकते हैं. इसलिए कलयुग में हरि नाम करके सारी ही भव सागर को पार कर जाए, अपना अपना वे संसार में रहते थे. इससे और कोई सस्ता, सुगम, सरल, सहज कोई उपाय बहुत on the beautiful picture of Sri Krishna Chaitanya Thakur directed by Srila Maharaj. Very wonderful. So we advised we only could bring 50 copies. And because we came today with car, we had not so much place in car, we could only bring about 15 copies to Birmingham. We left the rest in London. So those of us who are here, who are eager to obtain beautiful Bhagavad Gita, it is available at the book table at the rear of the mandir. Yes. So this is Srila Krishna Chaitanya Thakur's Bhagavad Gita with the commentary of Srila Maharaj. Srimad Bhagavad Gita Granta Ki Jai. Srila Maharaj Ki Jai. Srila Krishna Chaitanya Thakur Ki Jai. Gita Govinda. Yeah.
He's been living in Vrindavan for the last 50 odd years, serving his spiritual master, Sri Srimad Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, and the disciplic succession coming from Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Sri Radha Krishna. So, taking the instruction of his Shiksha Guru, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, he is now traveling around the world, sprinkling members, the conditioned souls, with Krishna praying. He's a very exalted soul. In Vrindavan, he is renowned as being a topmost Paramahamsa Vaishnava. So, this year, he is coming again to the West. He came last year. And we've seen that when A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he came to the West in the 60s, there was an explosion of Krishna consciousness, not just amongst the Hindu community, but also amongst those who are members of non-Hindu community taken to Krishna consciousness and imbibing this Krishna Bhakti in their lives. So now we see with Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, there's another Hare Krishna explosion going on, taking it to higher and higher heights. So you may not know that you're going to come here and take darshan of such a great Vaishnava. But somehow, by your Sukriti, you have this great fortune to be able to have darshan of such a person. You all know how A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada has made such an impact on the planet. And we see that now that Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, a very close friend of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, and under his advice and instruction, he's coming, similarly, such an impact is coming about on the planet. So he's in the car, he'll be arriving within a couple of minutes. The devotees here, they'll have a short kirtan to welcome him, and while Balaji is being dressed, he will give a short pravachan in English. Hare Krishna. Hare Krishna.